आज हम मस्कट का सफ़र करने वाले हैं, ओमान मस्कट। और जो एयरलाइंस है वो है ओमान एयर। तो अभी मैं एयरपोर्ट के ऊपर हूँ, तो फाइनली मैं मुंबई एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। देख सकते हो आप मेरे पीछे मुंबई एयरपोर्ट, यहाँ पे आ गया हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, जैसा कि देख सकते हो मैंने सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया, करा लिया। इसके लिए सब उतारना पड़ता है, बेल्ट वगैरह ये सब सबको पता है। जो भी है आपके पास बेल्ट वगैरह ये सब सब बाहर निकलना पड़ता है। तो फाइनली मुझे गेट मिल गया, अभी मैं यहाँ पे होल्ड कर मतलब बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके अंदर 3:10 हो रहे और 4:15 यानी 1 घंटा बाकी है। तो मुझे थोड़ा वेट करना होगा मतलब जब तक, क्योंकि अभी फ़्लाइट खड़ी है, देख सकते हो फ्लाइट खड़ी है, क्योंकि यहाँ से देखने मिलेगा नहीं, तो इसके लिए बोल रहा था मैं। डायरेक्ट फ्लाइट में जाना, ये फ्लाइट है। तेहरान की, तेहरान फाइनली मैं फ़्लाइट में आ गया हूँ, जैसा कि देख सकते हो आप। ठीक है, अंदर हूँ अभी फ्लाइट के अंदर, देखते थोड़ा टाइम में क्या है। कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, कंप्लीट आ रही है। इसमें एयरफोन वगैरह दिया है, मतलब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इसको, पिक्चर वगैरह देख लेंगे। बाकी ठीक है, फ्लाइट सामने डिस्प्ले है, सीट इतना बड़ा नहीं है, कंफर्टेबल इतना नहीं, बट ओके, सामने टीवी वगैरह है। जो बाकी फ्लाइट हैं एयरबिया वगैरह या क्या नाम उसका, उससे तो थोड़ा बेटर है, क्योंकि इसका टिकट इतनी महंगी नहीं है। ठीक है, सामने डिस्प्ले है, इसके अंदर चार्जिंग वो है, यूएसबी है, हम इसको चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारी मूवी वगैरह रहती है, देख सकते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड की, देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर मैप वगैरह देख सकते हैं हम लोग, फ्लाइट की क्या कंडीशन है, कितनी स्पीड से चल रही है, क्या है, वो सब भी देख सकते हैं इसके अंदर। फ्लाइट जो है अभी रनवे के ऊपर जा रही है, रनवे पे नहीं है फ्लाइट, रनवे की तरफ जा रही है फ्लाइट, जो है यहाँ से पिकअप बना के फ्लाइट Toilets are fitted with smoke detectors. Stowed, seat back is in an upright position with armrest down and footrest stowed. बस अभी जस्ट उड़ने वाली है फ्लाइट, क्योंकि रनवे के ऊपर आ गई है।
वाली है जस्ट, तो देख सकते हो आप अभी हम ज़मीन से ऊपर चले गए इस बादल के पास, आसमान के ऊपर तो नहीं, अभी थोड़ा ऊपर जाएगी फ्लाइट, तो आपको मुंबई का नज़ारा दिखेगा, मुंबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मुंबई के रोड देख सकते हो, आपको बॉम्बे नज़र आ रहा होगा, मुंबई रोड भी दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग ज़मीन से ऊपर है, फ्लाइट जो है उड़ चुकी है। इसका मैप है, मैप में दिखा रहा है मस्कट इतनी दूर है यहाँ पे, ये सब भी देख सकते हैं इसके अंदर। अभी फ्लाइट एकदम स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट का टाइम है, कुछ खाना वगैरह आएगा, देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर खाने वगैरह में। बहुत सारी जैसे फ्लाइट में नहीं मिलता, इसमें शायद मिलेगा, इसमें शो कर रहा था। फ्लाइट अभी हमारी एकदम सेंटर में मतलब उठ गई है, तो इस फ्लाइट वगैरह खुल के देख सकते हो। अब नाश्ता आ गया खाने के लिए, चिकन बिरयानी वगैरह मिलता है, बट इसमें वेज मिला मेरे को क्योंकि नॉन वेज नहीं है, ख़त्म हो गया, तो जो भी मिला अभी खाते। आइसक्रीम वगैरह है देख सकते हो, बन पाव है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, तो जब तक इसको खा लेते मैं वीडियो करता हूँ पॉज। फाइनली ये सब मैंने खा लिया, सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि देख सकते हो आप मन नज़र आ रहा होगा मस्कट, फ्लाइट लैंडिंग का टाइम हो गया, हम लोग को चाय भी नहीं मिली, कॉफ़ी भी नहीं मिली, क्योंकि लोग जो सर्विस स्टार्ट कर रहे थे आगे से कर रहे थे। मैंने बहुत सारे फ्लाइट में देखा है दोनों तरफ से स्टार्ट करते लोग, बैक साइड से भी और मतलब पीछे से भी और आगे से, बट ये लोग सिर्फ आगे से आ रहे थे जब तक खाना ख़त्म हो गया, एंड जब चाय का टाइम आया तो चाय ख़त्म हो गई, मतलब फ़्लाइट लैंडिंग का टाइम आ गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लैंड हो गई, हम लोग बाहर आ गए, मैं बाहर आ चुका हूँ देख सकते हैं। यह है मस्कत का एयरपोर्ट, देख सकते हो मस्कत। फ़्लाइट अच्छी थी, मतलब ठीक है, स्क्रीन वगैरह था, टीवी था, यूएसबी केबल था, चार्जिंग के लिए पोर्ट वगैरह ठीक ठाक फ्लाइट थी, बट जो स्टाफ है उससे खुश नहीं, मतलब लोग सर्विस अच्छी प्रोवाइड नहीं की उन लोगों ने, इसके लिए तो मैं बोलूँगा। बाकी ठीक है, फ़्लाइट अच्छी है, मतलब बाकी जो फ़्लाइटें हैं सेम प्राइस में जो टिकट मिलता है उसके हिसाब से ठीक है फ़्लाइट, क्योंकि इसमें खाना भी मिल रहा है, आपको मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं, एंड टीवी वगैरह भी है वो भी देख सकते हो।